नमस्कार, मैं नाजमा अब्दी और आप देख रहे हैं न्यूज 30 एक्सप्रेस। यूपी के हाथरस में जमीनी विवाद को लेकर ग्राम बोनई में दबंग आरोपियों ने एक परिवार पर हमला कर दिया। हमले के दौरान 5 महिलाओं समेत 11 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। फिलहाल पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए मामले को दर्ज कर आरोपियों की तलाश जारी कर दी है। यूपी के हाथरस में जमीनी विवाद में गांव बोनई में दबंग आरोपियों ने दो परिवारों पर धावा बोलते हुए लाठी डंडों से मारपीट कर दी, जिसमें 5 महिलाओं समेत 11 लोगों को चोटें आई हैं, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एहतियातन गांव में फोर्स तैनात कर दी गई है। आपको बता दें कि थाना हाथरस जंक्शन के गांव बोनई निवासी जयपाल से उनके पड़ोसी गिरीश चंद्र से एक प्लॉट की दावेदारी को लेकर लंबे समय से विवाद चला रहा है। इसी रंजिश के चलते मंगलवार की सुबह गिरीश ने अपने दर्जन भर साथियों को लाठी डंडों से लैस होकर पीड़ितों के घर पर धावा बोल दिया और जमकर मारपीट की, जिसमें 5 महिला समेत 11 लोगों को चोटें आई। पुलिस ने घायलों का डॉक्टरी परीक्षण कराने के बाद आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। क्या हुआ था? ये हुआ था, हम कई एक साल से कार्यवाही करते चले आ रहे हैं। शासन प्रशासन मुख बैठा है, पुलिस वाले पैसे भर लेते हैं न कि हमारी कोई सुनता है। हम काफी परेशान हैं, कई बार सांसद जी से ही फोन कराया लेकिन हमारी पुलिस वाले नहीं सुनते। झगड़ा क्या बात का हुआ? झगड़ा प्लॉट के ऊपर विवाद है। 2018 में हमारे प्लॉट आवंटित हुए थे और चलता हमारा कब्जा दिलाया। कब्जा दिलाने के बाद उन्होंने जबरदस्ती से आधे प्लॉट में हमारे 100 वर्ग गज के 50 वर्ग गज के प्लॉट में उन्होंने हमारे में कब्जा ले लिया जबरदस्ती से। कितने लोग घायल हैं आपके? 11 लोग घायल हैं सर। कौन है कब्जा करने वाले? कब्जा करने वाले हैं मुकेश चंद। नहीं मतलब आप अलग से हैं कोई? हाँ दबंग लोग हैं क्या? अलग से हैं सर। और प्रधान की साजिश है इसमें सर?